गाइज़ वेलकम टू द ब्लॉग। सो आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अक्षरधाम जाया जाए। सो हम लोग अभी मेट्रो में निकल चुके थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार मेट्रो में। पहले अक्षरधाम भैया जा चुका है, लेकिन मैं और अतुल भैया नहीं गए थे। सो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना चलते चलते मेट्रो में कुछ अपना फ़ोटो ले लिया जाए। जैसे ही हम लोग स्टेशन पहुँचे, तो वहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा इंटरचेंज करना पड़ता है राजीव चौक से जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो मेट्रो की लाइन है वो चेंज हो जाती है। हम लोगों ने किया वहाँ पर जाके मेट्रो का इंतज़ार, और 2 मिनट का टाइम था, 2 मिनट के बाद आने वाली थी मेट्रो। सो खड़े खड़े सडन ही अब मेट्रो आने वाली थी। अपोजिट लेन में हम लोगों ने देखा तो वहाँ पे मेट्रो आ चुकी थी, और इसी के साथ हमारी मेट्रो भी आई। लेकिन ये क्या 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 ये क्या हो गया, इतनी सारी भीड़। हम लोगों ने सोचा यार संडे से बढ़िया है आज निकल जाऊँ, क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना। और लेकिन कोई फ़ायदा तो था नहीं, मुझे लगा कि सारी दिल्ली उठ के अक्षरधाम ही जा रही है। यहाँ से मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला, और मेट्रो स्टेशन से जैसे ही मैं बाहर निकल रहा था यार, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने देखा कि यार क्या सीनरी है, जो कि अभी आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और जैसे ही आप बाहर निकलोगे ना, जस्ट बगल में आपको वहाँ पे अक्षरधाम मिलेगा। लेकिन बहुत लोग ट्राई करते हैं कि यार आप ऑटो ले लो, रिक्शा ले लो। बगल में बहुत सारा आप देख सकते हो कि स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ होता है, और यहाँ पे खाने पीने का स्टॉल होता है, क्लॉथिंग का स्टॉल होता है। तो जैसे ही आप मेट्रो से बाहर जाओगे, सामने में ये जो आपको ब्लू बोर्ड दिख रहा है ना आगे में, मैं अभी आपको अच्छे से इस बोर्ड को दिखाने वाला हूँ। वहाँ पर लिखा हुआ होगा अक्षरधाम, और ये जस्ट आप देख सकते हो कि इतनी सारी गाड़ियाँ जो पार्किंग में लगी हुई हैं, ये सारे के सारे मंदिर परिसर के अंदर में ही आता है। सो यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा मी नारायण अक्षरधाम में आपका स्वागत है, और बहुत ही भव्य मंदिर है, मैं क्या ही बोलूँ। सो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अंदर जाने के लिए, बहुत सारे लोग साथ में मेरे जा रहे थे, मुझे देख के लगा नहीं था कि यार इतना ज़्यादा भीड़ होने वाला है आज के दिन। सो हम लोग अब आगे बैरियर लगा हुआ था, आगे पार्किंग के लिए आगे लोग जाते हैं। सो हम लोग यहाँ से अंदर की तरफ हो लिए, और मंदिर परिसर में जैसे ही हम लोग प्रवेश करते हैं, यहाँ देखते के साथ मैं थोड़ा शॉक हो जाता हूँ, अरे यार ये दोनों साइड में बैरियर क्यों लगाया हुआ है। लेकिन कुछ देर में ही मुझे पता चलता है कि यार यहाँ फ़ोन अंदर ले जाना बंद है, और यहाँ पे आपको कुछ फॉर्म मिलेगा, जो कि भैया अब यहाँ पे फॉर्म भरा, और हमें अंदर जाने के लिए पहले बाहर फ़ोन जमा कराना होगा। सो कोई भी डिवाइसेस हम अंदर नहीं ले जा सकते हैं। और भैया जब था यहाँ पे, सारा फॉर्म प्रोसेस जो था फिलअप किया, मेरा मूड ऑफ हो गया। सो हम लोगों ने सोचा कि अब बाकी का वीडियो कैसे बनाया जाए, तो क्यों ना बाहर का जो पर आपको मंदिर दिखा रहा हूँ, मैंने सोचा छोड़ो यार बाहर कहीं जो भी वीडियो नज़र आ रहा है वो आप लोगों के लिए बना लूँ यहाँ पे। इसके बाद आगे की जो शूटिंग है वो मैं कर नहीं पाया था। सो वापस मंदिर परिसर से बाहर निकलने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर से ही जो भी शाम का जो ब्यूटीनेस होता है, वहाँ लाइट जब होती है, पूरी लाइटिंग हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे सारे लोग निकले थे, अतुल भैया भी यहाँ पे सेम चीज़ कर रहे थे, स्नैप ले रहे थे मंदिर का। और यहाँ पे अतुल भैया को देख के फिर भैया ने भी बोला यार मैं भी ले लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जोकर गिरी कर रहा था, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि दिल्ली की ठंड क्यों बढ़ रही है। चीज़ करने के बाद जैसे ही हम लोग बाहर देखे, भैया और अतुल भैया ने देखा कि एक जो महिला है वो पॉपकॉर्न बेच रही हैं। सो पता नहीं इन्होंने ले लिया, और मैंने डिसाइड किया कि अब इसको यहीं पे खाया जाए। तो पॉपकॉर्न जब तक हम लोग खाना स्टार्ट करते, मैंने देखा कि अरे यार अतुल भैया कहाँ गए। सो मैंने भैया को भी बताया, जस्ट ही जैसे ही मैंने कैमरा पीछे घुमाया, मैं खुद शॉक हो गया, अरे भैया क्या कर रहे हो, स्नैप की इतनी बुरी आदत क्यों लग गई है, जाके हल्दीराम के स्नैप ले रहे हो। मैंने छोड़ा यार छोड़ो हटाओ, पॉपकॉर्न पे कंसंट्रेशन करना है यहाँ पे। सो पॉपकॉर्न खाने के बाद इन लोगों ने भी मुझे देखा कि कंसंट्रेट कर रहा है अकेले पॉपकॉर्न पे, तो ये लोगों ने भी खाना स्टार्ट कर दिया पॉपकॉर्न। फिर वहाँ से हम लोग वापस मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़े, क्योंकि रात हो गई थी जैसा कि आप देख रहे हो, और जानते हो कि दिल्ली में जो ठंड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है रात में। सो वहाँ से हम लोग अब मेट्रो की तरफ बढ़े, और जितनी जल्दी हो सके, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी ना, पूरा दिन कुछ नहीं खाया था, सीधे अक्षरधाम जाने के चक्कर में हमने सोचा छोड़ो यार। जैसे ही स्टेशन पर हम लोग पहुँचते हैं, वहाँ पर देखा कि मेट्रो लगी हुई है, लेकिन पास में जाने के बाद हो गया हमारा पोपट, क्योंकि वो अपोजिट लेन की मेट्रो थी। हम लोगों को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। सो हम लोगों ने मुंडी राइट एंड लेफ्ट घुमाया, और देखा कि यार हमारी मेट्रो आएगी या नहीं आएगी। सो जैसे ही हमने ऐसा थोड़ा सा वेट किया, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं थी, 5 से 10 मिनट में हमारी गाड़ी जो है वो आ गई। लेकिन यहाँ पर देखा कि अरे यार ये तो दोनों साइड से मेट्रो आ रही है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से, हमारी वाली कौन सी है भाई। तो हमने देखा अरे यार यहाँ तो जो राइट वाली है वही हमारी है। सो यहाँ पे हम लोगों ने बेट लगाया था, और
बेट में हार गया। सो हमारी गाड़ी जैसे ही आई यहाँ पे, देख के थोड़ी सी खुशी हुई कि यार उतना भीड़ नहीं है, लेकिन हमारी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाई क्योंकि हमारे सामने जो कोच आके लगा था उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। सो अब जैसे ही हम अंदर आते हैं, ये लोग आगे बोले कि नहीं यार आगे वाले कोच में चले जाओ, वहाँ पर कम भीड़ है। लेकिन अंदर जाते के बाद तो समझो यार वीडियो बनाना ही पॉसिबल नहीं था, और फिर हम लोगों को खड़ा खड़ा ही घर के तरफ आगे बढ़ना बट पड़ा। देन आया है मेरे माइंड में एक आइडिया, और मैंने सोचा कि क्यों ना अतुल भैया को पोपट बनाया जाए। सो मैंने सबसे पहले कैमरा का जो भी फेस था वो अतुल भैया की तरफ कर दिया, और उसके बाद वेट करते रहा कि कितने ज़्यादा फेस रिएक्शन देते हैं। आप देखो यहाँ पे कि मतलब इनको कैमरा फियर है थोड़ा। तो फाइनली इतने लंबे टाइम के इंतज़ार के बाद हम अपने स्टेशन आ पहुँचे थे, और यहाँ पे जैसे ही मैं आगे से पीछे देखता हूँ ये दोनों क्या, ये दोनों तो 8 बॉल पूल में लगे हुए थे। लेकिन वहाँ से घर जाते जाते बीच में हम सबको लग गई थी भूख, और इन्होंने डिसाइड किया कि कुछ खाया जाए। तब तक मैंने सोचा छोड़ो यार वीडियो बना लेते हैं। सबसे पहले भूख की जो मात्रा थी वो बहुत ही चरम लेवल पे पहुंच चुकी थी। सो अब इन्होंने बताया कि यार बाहर में समोसे छन रहे हैं गर्मा गर्म, वहाँ से जाके आप समोसे ले लो। वहाँ पहुँचते हैं तो देख के मुँह में काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है क्योंकि बहुत ही गर्मा गर्म और टेस्टी समोसे जो है वो छन रहे हैं। बस दिल्ली में एक समोसे में खास बात होती है ना कि यहाँ जो मसाले होते हैं वो बॉयल्ड आलू के साथ सीधे मैश कर दिए जाते हैं, ना कि उसको अच्छे से भूना जाता है। लेकिन सबका अपना अपना टेस्ट होता है। सो अब यहाँ पे हम लोगों ने आगे समोसा के लिए मतलब लाइन लगाया क्योंकि वो काफ़ी भीड़ थी। लेकिन ये क्या समोसा यहाँ थी, और चटनी की तलाश में हम लोग थे कि यार चटनी मिलेगी कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी, ये चीज़ करके हम लोग खोज रहे थे। लास्ट में एक भैया ने बताया कि यार चटनी वो दुकान के किसी कोने में दबी पड़ी है, मतलब मग में रखी हुई है। सो हम लोगों ने फाइनली वहाँ पे गए, और जाने के बाद चटनी खोजा। लेकिन अब सही में मूड सही में ऑफ हो गया था यहाँ पे कि यार समोसे हमारे मतलब बिहार में तो समोसे को साथ में आप चटनी खाना पसंद करो या फिर सब्जी खाना पसंद करो, एक नहीं मल्टीपल टाइम्स आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे देख के मेरा मूड सही में ऑफ हो गया था कि भूख अब इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी कि हम लोगों ने सोचा छोड़ यार जो भी है खा लेते हैं, कम से कम खाने को तो नसीब हुआ। इन मैं थोड़ा जो हूँ ना वो मुझे तीखा ज़्यादा पसंद है। सो मैंने सोचा कि छोड़ो यार मीठी चटनी को साइड करते हैं और यहाँ पे जो है तीखी चटनी को उठाते हैं। सो सबसे पहले मैं उसमें जो है एक प्लेट का जुगाड़ किया, और मैं मीठी चटनी उसमें साइड करके तीखी चटनी पलटने लगा ही था कि पता चला यार अच्छे से पकड़ ले नहीं तो ये पूरी चटनी यहाँ पे गिर जाने वाली है। समोसे को ख़त्म करने के बाद हम सब सारे घर आ गए, और यहाँ पे आते के साथ ही ये जो दोनों थे वो चद्दर में जाके छिप गए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और मैंने सोचा कि क्यों ना चाय के साथ और एग को बॉयल कर लिया जाए। तब तक हम लोगों ने बिस्किट के साथ अपना काम चला लिया, और इसी के साथ आज का जो पूरा दिन था ना वो काफ़ी मस्ती भरा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी भीड़ थी इसलिए थकावट बहुत ज़्यादा हो रखी थी। फिर मैंने मस्त खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद आज का जो दिन था हमारा यहीं पे एंड होता है। वो ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशन। तब तक ले स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।